सभी को फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल जेपी कंचन फैमिली ब्लॉग में। और फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ 5 बहुत ही इंटरेस्टिंग डीआईवाई हैं वो शेयर करने वाली हूँ। और एक भी डीआईवाई को आप मिस मत कीजिएगा, क्योंकि सारे ही बहुत ही अच्छे होने वाले हैं। तो फुल वीडियो देखिएगा और बिना स्किप किए देखिएगा, क्योंकि अगर आप स्किप कर देंगे तो आप कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो खो देंगे। तो अभी मैं सारा सामान निकाल के बैठ चुकी हूँ, और अभी मैंने है ना एक ब्लाउज तैयार किया है अपना। तो चलिए थोड़ा सा दिखाती हूँ आपको, और इसकी जो डिजाइन है, अगर आपको अच्छी लगे तो आप बनवा सकते हैं। अगर आप खुद स्टिच करते हैं तो आप खुद भी बना सकते हैं। तो एक मैट हुक लगा लूं मैं। तो मैंने ये देखिए तैयार किया है ब्लाउज, तो बस इसमें जो तुरपाई है वो रह गई है। तो आगे मैंने कुछ हार्ट शेप दिया हुआ है, ये आपको शायद समझ में आ रहा हो इस तरीके से। और फ्रंट ओपन बनाया है और प्रिंसेस कट बनाया है, और इसका जो बैक पार्ट है वो देखिए इस तरीके से है, इस तरीके से, और ये इस तरीके से शेप दिया हुआ है। किसी दिन मैं पहनूंगी तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और इसमें ये इस तरीके से एक वो लगाया हुआ है मैंने, और ये इस तरीके से कुछ लटकन बनाई हुई है। और इसकी जो स्लीव है वो मैंने पफ स्लीव बनाई है, देखिए। अब पहनने के बाद कैसा लगता है तो ये तो मुझे पता नहीं, क्योंकि अभी मैंने खुद भी ट्राई नहीं किया है। तो चलिए जो डीआईवाईज है वो आपके साथ में शेयर करती हूँ, क्योंकि फिर वीडियो बड़ा हो जाएगा। बातें करते हैं तो पता ही नहीं चलता है कि वीडियो कब बड़ा हो गया। तो चलिए आप सारे डीआईवाई देखिएगा, एक भी मिस मत कीजिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है वीडियो। तो फुल वीडियो देखिएगा, और आप लोग मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज 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 सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए इंटरेस्टिंग वीडियो है, फुल देखिएगा। नंबर वन आइडिया के लिए मैंने यहाँ एक फैब्रिक लिया है जिसका मेजरमेंट है 17x17 इंच। तो यहाँ मैंने ये फैब्रिक लिया है। अब एक और फैब्रिक लिया है जिसका भी मेजरमेंट है 17x17 इंच। अब मैंने एक प्लास्टिक बोरी का पीस लिया है, उसका भी मेजरमेंट है 17x17 इंच। अब ये दोनों जो फैब्रिक हैं उन्हें हमें इस तरीके से एक के ऊपर एक रखना है। अब इसके ऊपर रखना है जो प्लास्टिक बोरी हमने कट किया है उसे। और अब एक बात का हमें याद ध्यान रखना है, जो नीचे हमने फैब्रिक लिए हैं उन दोनों की जो सीधी वाली साइड है वो दोनों एक ही साइड में होनी चाहिए, यानी कि दोनों एक ही साइड में होनी चाहिए। ये उल्टी वाली साइड है वो ऊपर की साइड है, उसके ऊपर प्लास्टिक बोरी। और यहाँ से इतना पीस हमें नहीं सिलना और पूरे पर सिलाई लगानी है। तो देखिए यहाँ इतना पीस मैंने छोड़ दिया था जिससे कि यहाँ से हम इसे पलट सकें। तो अब जो फैब्रिक है वहाँ से हम इन्हें पलट लेंगे। अब पलटने के बाद में इस पीस को हमने कर लिया देखिए इस तरीके से सीधा। अब सीधा करने के बाद में ये जो खुला हुआ पीस है इसे यहाँ अंदर की साइड करते हुए पूरे में दाब सिलाई लगा लेंगे। दाब सिलाई लगाने के बाद में इस फैब्रिक को हमें इस तरीके से तिकोना मिलाना है, और आपको जो साइड ऊपर की साइड रखनी है वो अभी इस टाइम हमें अंदर की साइड रखनी है। अब ऊपर से हमें लगाना है 4 इंच पर इस तरीके से निशान, और यहाँ एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। ड्रॉ करने के बाद इस कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करना है, और अंदर वाले कपड़े को दूसरी वाली साइड में करना है, और इन्हें पिनअप कर देना है। पिनअप करने के बाद में इस तरीके से देखिए ये हो जाएगा। अब यहाँ ऊपर से हमें यहाँ 1 इंच पर निशान लगाना है और लाइन इस तरीके से ड्रॉ करनी है, ये देखिए इस तरीके से। अब दूसरी वाली साइड में भी 1 इंच का निशान लगाना है और लाइन ड्रॉ करनी है। अब यहाँ हमें लगानी है सिलाई, जो हमने 1 इंच का निशान लगाया है उसके ऊपर बस सिंपल हमें सिलाई लगा देनी है दोनों साइड में। अब यहाँ सिलाई लगा दी हमने। अब सिलाई लगाने के बाद में फिर से हमें इसी तरीके से इसे रख लेना है जैसे था। अब यहाँ मैंने पिनअप कर लिया। पिनअप करने के बाद में ये जो कॉर्नर है यहाँ से हमें इस कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करना है, यानी कि हमें इसे इस तरीके से फोल्ड करना है, और यहाँ प्रेस करके यहाँ इस तरीके से निशान लगाना है। ये हमने निशान लगा दिया। अब इसी तरीके से दूसरी वाली साइड से इस तरीके से कपड़े को फोल्ड करना है, यहाँ भी इसी तरीके से निशान लगाना है। ये देखिए दोनों साइडों में हमने निशान लगा लिया। अब यहाँ सिलाई लगानी है, सिलाई भी मैंने लगा ली है। लगाने के बाद में अब कपड़े को इस तरीके से हमें अंदर की तरफ इस तरीके से टर्न करना है, देखिए। अब टर्न कर लिया, जो इसके ये कॉर्नर थे वो इस तरीके से देखिए ये नीचे आ चुका है। अब दूसरी वाली साइड है उस साइड से भी हमें इसी तरीके से कपड़े को इस तरीके से अंदर की साइड में फोल्ड करना है, ये देखिए इस तरीके से हो गया। अब ये जो कॉर्नर है वो भी इस तरीके से आ गया है। तो सुई धागे की हेल्प से, जो इसके ये यहाँ आपको दिख रहा है, बस हमें सुई धागे की हेल्प से दोनों साइड में
यहाँ टक कर देना है, जिससे कि ये अपनी जो शेप है उसमें बना रहे। तो दोनों साइड में मैंने टक कर दिया है। अब टक करने के बाद में ये नीचे ये नोक निकली हुई है, यहाँ भी हमें बस ऊपर नीचे वाला फैब्रिक नहीं आना चाहिए, याद रखिएगा। तो यहाँ बस ऊपर हमें दो तीन बार टक कर देना है ऐसे। तो ये भी देखिए हमने यहाँ टक कर दिया है। अब टक करने के बाद में यहाँ दो मैंने स्ट्रिप ली हैं। तो अगर आपको पाइपिंग बनाना आता है तो अच्छी बात है, यानी कि डोरी बनाना आता है। अगर नहीं आता है जिन लोगों को, तो देखिए इस तरीके से रफली मैंने यहाँ एक फैब्रिक ले लिया है और उसे एक पैर का मार्जन लेते हुए यहाँ देखिए सिलाई लगा ली है। अब यहाँ एक सुई धागे की हेल्प से जो खुला हुआ पार्ट है वहाँ इस तरीके से हमने नॉट लगा ली और सुई को अंदर इस तरीके से इंसर्ट कर देना है। और दूसरी वाली साइड में हमें सुई को निकाल लेना है। तो ये देखिए बाहर दूसरी वाली साइड में ये सुई निकल चुकी है। अब इसे किसी भी चीज़ में आप फंसा दीजिए और नीचे वाली साइड से इस तरीके से कपड़े को खींचते जाइए और डोरी बाहर निकलती आएगी। तो इस तरीके से हमारी जो डोरी है वो बन जाती है। तो बहुत सिंपल है बनाना। तो इसी तरीके से दोनों डोरी मैंने बना ली हैं। बनाने के बाद में अब देखिए ये डोरी कम से कम इतनी यहाँ ज़्यादा होनी चाहिए, आपको इतना ध्यान रखना है। अब मैंने जो पिन है वो लगा ली है और यहाँ से हम इस डोरी को अंदर इंसर्ट करेंगे। जो हमने 1 इंच का सिलाई लगाया था बस वहाँ से डोरी को इंसर्ट करना है। ये देखिए निकला। अब इस साइड से अब फिर से हमें इस साइड में ही आना है। तो ये देखिए डोरी हमारा इधर आ चुका है। और यहाँ मैं नॉट नहीं लगाने वाली हूँ, अगर आपको नॉट लगानी है तो आप नॉट लगा लीजिए। तो यहाँ पहले मैं इसे यहाँ सुई की हेल्प से यहाँ टक कर देती हूँ। और अब दूसरी वाली जो डोरी है उसे भी सेम इसी तरीके से दूसरी वाली साइड से हम इंसर्ट कर देंगे। तो देखिए ये इस साइड डल चुकी है, अब इस साइड से हम इस डोरी को इंसर्ट कर देंगे और इसी साइड निकाल लेंगे हम दूसरी वाली साइड से। अब ये देखिए ये यहाँ भी मैंने पिनअप कर दिया है। और अब ये जो मैंने पिनअप किया है यहाँ मैं लगाने वाली हूँ दो जो लटकन होती हैं वो। तो देखिए यहाँ मैंने सिलाई करके जो लटकन है वो लगा ली हैं, आप मोती भी लगा सकते हैं। तो ये बैग हमारा बनके तैयार हो चुका है, अब आप किस यूज़ में ले सकते हैं। तो देखिए कॉस्मेटिक का सामान है, इसमें आप बहुत अच्छे से कैरी कर सकते हैं। और जो हमारे अंडरगारमेंट्स होते हैं हम कहीं जाते हैं तो इसमें कम से कम आपके 3 जोड़ी अंडरगारमेंट्स बहुत आराम से आ जाएंगे। और देखने में ये बहुत सुंदर लगता है और इसे आप कहीं भी आपको जो भी मन हो उस चीज़ के लिए आप इसे कैरी कीजिए। बहुत ही ब्यूटीफुल है और देखने में तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। तो ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो अगर आपको ये वाला आइडिया पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल भी मत भूला करें और एक कमेंट करना तो बिल्कुल ही ना भूला करें। तो अब जो नंबर 2 आइडिया है वो आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ मैंने देखिए 3 फैब्रिक लिए हैं। अब इन तीनों फैब्रिकों का जो मेज़रमेंट है वो बताती हूँ आपको। तो यहाँ मैंने 10x7.5 इंच के यानी कि 10x7.5 इंच के 3 पीस लिए हैं। तीनों एक ही साइज़ के हैं। तो उसमें से एक मैंने अलग फैब्रिक लिया है और 2 एक जैसे कलर के लिए हैं। अब जो ये 2 एक जैसे कलर के फैब्रिक लिए हैं तो लंबाई वाली साइड से मैंने इस तरीके से फोल्ड किया, फिर चौड़ाई वाली साइड से इस तरीके से किया। और जो इसकी ये खुली वाली साइड है ये देखिए, यहाँ से कोई भी बर्तन ले लीजिए और यहाँ बस इस तरीके से गोल शेप दे दीजिए। तो ये गोल शेप बन गया। अब इसे हम कैंची की हेल्प से कट कर लेंगे। अब कट करने के बाद में यहाँ कट लगाएंगे और यहाँ कट लगाएंगे, जिससे कि बाद में सिलाई में हमें आसानी होगी। अब ये एक फैब्रिक हमें बाद में काम आएगा, अभी एक फैब्रिक का काम है। तो यहाँ मैंने फॉर्म शीट ले ली है, तो फॉर्म शीट पर अच्छे से सिलाई नहीं हो पाएगी तो इसलिए मैंने नीचे अस्तल का पीस ले लिया है। तो अस्तल का आप कोई भी ख़राब पीस ले सकते हैं। और यहाँ इस तरीके से पूरे पीस पर हमें साइड में सिलाई लगानी है। अब साइड में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर देंगे। अब इसे कट करने के बाद में ये पीस हमारा तैयार हो गया है। अब जो ये हमने अलग कलर का फैब्रिक लिया था तो वो हमने ले लिया है और यहाँ इसे इस तरीके से डबल फोल्ड जैसे आपने देखा वैसे कर लिया है। अब कप पिनअप कर लिया है। अब जो ये खुली वाली साइड है तो उधर ऊपर वाली साइड में जो बंद वाली साइड है वहाँ मैंने यहाँ 2 पॉइंट पर इस तरीके से निशान लगाया और नीचे 1 पॉइंट पर लगाया है। और इन दोनों निशानों को हमें इस तरीके से मिला देना है। तो ये देखिए ये निशान हमने लगाए थे उस पर कट कर दिया है। अब कट करने के बाद में इसमें भी हम इस तरीके से कट लगा लेंगे दोनों साइडों में और जो नीचे ये फैब्रिक है इसे कट कर देंगे। तो ये 2 पीस हमारे बन चुके हैं। अब ये जो नीचे हमने कट लगाया था तो कट से कट को इस तरीके से मिलाएंगे और यहाँ पिनअप कर लेंगे। और पिनअप करने के बाद में यहाँ जो इसकी शेप है उसी शेप में इस वाले जो फैब्रिक को भी हम कट कर लेंगे। तो ये देखिए ये भी फैब्रिक इसी तरीके से इसी शेप में आ गया है। अब ये दोनों फैब्रिक हमारे कट चुके हैं। अब यहाँ देखिए अस्तल के लिए
मैंने नीचे अस्तर कोई भी लेना है और फिर फॉर्म शीट उसके ऊपर एक अस्तर, और जो ये पीस हमने अभी कट किए हैं ब्लू कलर के, तो उसको हमें इस तरीके से उल्टा रखना है ऊपर की साइड में, याद रखिएगा उल्टा रखना है। और जो ऊपर ये वाली साइड है जो हमने एक इंच और टू पॉइंट का निशान लगाया था, वहाँ इस तरीके से ऊपर एक पैर का मार्जिन लेते हुए बस सिलाई लगानी है, और सिलाई लगाने के बाद में ऊपर जो ये फैब्रिक है एक्स्ट्रा उसे हम कट कर देंगे, और कट करने के बाद यहाँ बस इस तरीके से सिलाई ना कटे और इस तरीके से कट लगाने हैं। कट लगाने के बाद इस कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करना है, और फोल्ड करने के बाद में यहाँ बस हमें सिंपल दाब सिलाई लगानी है इस तरीके से। तो फॉर्म शीट पर अच्छे से सिलाई नहीं हो पाती, इसी वजह से मैंने नीचे एक एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया था। तो देखिए दाब सिलाई लग चुकी है, और जो नीचे ये फैब्रिक है बस उस पर हम सिंपल सिलाई लगा देंगे। तो ये देखिए सिलाई लग चुकी है, और जो एक्स्ट्रा है उसे हम कट कर देंगे। तो इसी तरीके से मैं एक और पीस ये जो था साथ में वो तैयार कर लूँगी। तो दोनों पीस मेरे तैयार हो चुके हैं। अब जो हमने ये पीस तैयार किया था, तो यहाँ देखिए जो सेंटर का निशान था और इसका जो सेंटर का निशान है, उन दोनों को मिलाना है और इस तरीके से इन फैब्रिक को रखना है। जो पीस हमने तैयार किए हैं उन्हें रख लिया। अब जो शुरू में हमने फैब्रिक दो कट किए थे, उनमें से एक बचा था, तो उसको हमने इस तरीके से इसके ऊपर रख लिया है। अब रखने के बाद में इतना पीस है वो हमें नहीं सिलना है, तो इतना हमें छोड़ना है और पूरे पर सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से यहाँ से सिलाई लगाई, और यहाँ बस इस तरीके से इतना फैब्रिक मैंने छोड़ दिया, और जो भी एक्स्ट्रा इन अनइवन लग रहा है उसे हम यहाँ से एक जैसा कर लेंगे, और यहाँ से बस सिंपल इसे जो खुला हुआ पार्ट था वहाँ से इसे पलट लेंगे। अब पलटने के बाद में ये देखिए सीधा हो चुका है। अब सीधा करने के बाद में अच्छे से आप सेट कर लीजिए, और ये खुला हुआ पीस इसे अंदर की साइड में दबाते हुए पूरे पर दाब सिलाई लगा दीजिए। अब दाब सिलाई लगाने के बाद में अभी हमें एक और काम करना है। आप इसमें अगर लूप लगाना चाहते हैं तो लूप लगा लीजिए, मैंने इसमें लूप नहीं लगाया है। अब इसमें बीच में इस तरीके से सेंटर में सिलाई लगानी है, तो ये सेंटर में सिलाई लग चुकी है। अब ऐसा ही सेम एक और मैं पीस बनाने वाली हूँ जो कि मैंने बना लिया है, तो वो भी दिखाती हूँ आपको। ये देखिए ये दो पीस मैंने तैयार किए हैं। ये देखिए हमने जो ये वाले DIY बनाए हैं, तो ये हमने बनाए हैं किचन के लिए, और इनका क्या यूज है तो वो मैं आपको चलिए बताती हूँ। तो इन्हें हमें अपने हाथ में बस इस तरीके से फिट करना है। देखिए इस तरीके से फिट कर लिया दोनों में, और जब भी हम अपने किचन में, देखिए इस साइड में दिखाती हूँ, जब भी हम किचन में काम करते हैं तो हम कपड़ा वगैरह ढूंढते हैं, तो अगर वो अपनी सही जगह पर नहीं मिलता है, मिल भी जाता है तो हम किसी बर्तन को उठाते हैं तो भाप से जो हमारे अंगूठे हैं वो जलते हैं। तो इस तरीके से आप ये DIY बनाइए, बहुत ही यूज़फुल है। इस तरीके से आपके जो हाथ हैं बिल्कुल भी नहीं जलेंगे, और कहीं भी एक जगह आप इन्हें रख दीजिए और बहुत आसानी से ये यूज़ हो जाते हैं। बस हमें ये थोड़ी सी मेहनत करनी होती है। घर में बहुत वेस्ट कपड़े पड़े होते हैं, उनसे हम इन DIYs को बना सकते हैं। अगर आइडिया अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। अब जो नेक्स्ट आइडिया है वो शेयर करती हूँ। तो देखिए जो ये प्लो है, इसके लिए मैं कवर बनाने वाली हूँ। तो आप नए पुराने जो भी फैब्रिक है उससे बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए पहले आपको प्लो की लेंथ लेनी है। तो इसकी जो लेंथ है वो 25 इंच थी, और इसकी जो चौड़ाई है वो 15 इंच थी। तो 15 इंच में हमें 2 प्लस करना है, तो 17 इंच हो गया। अब इसकी जो लंबाई है उसमें कितना प्लस करना है तो वो बताती हूँ। तो देखिए दो पीस मैंने कट कर लिए हैं, तो इसकी चौड़ाई तो 17 इंच ली है, और इसकी जो लंबाई है वो मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए इसकी जो लंबाई है वो मैंने ली है यहाँ 25 इंच में, बस हमने 1 इंच प्लस किया है, क्योंकि ये नीचे से फिनिश है, यहाँ हमें कोई भी सिलाई नहीं करनी है। जो बेडशीट का फिनिश वाला साइड था वो मैंने लिया है, तो मैंने इस तरीके से कट लगा लिया था जिससे कि मैं इस कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करूँगी तो बराबर आए। तो इस तरीके से हमने ये फोल्ड कर लिया, और फोल्ड करने के बाद में ऊपर भी हमने ये 26 इंच हो गया डबल में। अब ऊपर से मैंने लिया है यहाँ जो हम फ्लैप बनाएंगे इसका बंद जो होता है, तो उसके लिए मैंने 7 इंच लिया है। तो पूरा टोटल फैब्रिक था वो 59x17 इंच था। तो इस तरीके से अब जो फ्लैप है उसे हमें इस तरीके से अंदर की साइड में रखना है, तब हमें सिलाई लगानी है। और जो ऊपर फैब्रिक था उसे भी डबल फोल्ड करके आप सिल लीजिएगा, और यहाँ साइडों में इस तरीके से हमें सिलाई लगानी है। देखिए
तो बहुत सिंपल है जो प्लो कवर हैं वो बनाना। तो इसमें मैंने सिलाई लगा ली है, तो दो पीस हैं तो हमारे ये तैयार हो चुके हैं। अब इसे हम कर लेंगे सीधा, और सीधा करने के बाद में चलिए जो प्लो हैं उसमें हम इन्हें इंसर्ट कर देते हैं। तो बहुत ही अच्छे बने हुए हैं। तो इस तरीके से आप अगर बनाना चाहते हैं, जो भी नए हैं कपड़े या पुराने हैं, आप जिस भी कपड़े से बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। अगर ये आइडिया आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आगे अभी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है पूरा देखिएगा। अब जो नेक्स्ट आइडिया है उसके लिए मैंने एक पुरानी पजामी ली है। तो ये थोड़ी मोटी पजामी है, यानी कि आप समझ लिए ये जो ऊनी पजामी होती है उस टाइप की है। तो यहाँ इसकी जो लंबाई चौड़ाई है वो आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। तो इस तरीके से मैं इसमें से दो पीस बनाने वाली हूँ। तो ये डबल फोल्ड है, तो अब जो मैंने ये साइड में लिया है ये बंद वाली साइड है। तो वहाँ से इस तरीके से मैंने अपने हैंड को रखा और यहाँ बस इस तरीके से निशान लगा लिया, और निशान लगाने के बाद में इस तरीके से फैब्रिक को हम कट कर लेंगे। अब फैब्रिक को हमने इस तरीके से कट कर लिया। अब कट करने के बाद में ये दूसरी वाली जो साइड है वहाँ हम इस फैब्रिक को उठा के इस तरीके से पलट के रख देंगे, और जो दूसरा पीस है तो इसी के साइज़ का हम यहाँ कट कर लेंगे। ये पीस भी हमारा कट चुका है। अब कट होने के बाद में यहाँ साइडों में ये इस तरीके से हमें सिलाई लगानी है। अब यहाँ मैंने ये देखिए सिलाई भी लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद में इसे हम पलटेंगे, यानी कि हम इन्हें सीधा कर लेंगे। अब सीधा करने के बाद में दोनों पीसों को यहाँ मैंने दो छोटे छोटे फैब्रिक लिए हैं, और इन्हें दोनों साइड से फोल्ड करते हुए बीच में से फोल्ड करना है, सिलाई लगानी है। तो ये दो लूप हमारे तैयार हो गए, और यहाँ बस इस तरीके से सुई धागे की हेल्प से आप यहाँ इन्हें टक कर दीजिए। और जितने भी DIYs हैं, ज़रूरी नहीं है आप सिलाई मशीन से ही बनाएं, आप हाथ से भी बना सकते हैं। तो ये देखिए हमारा ये कितना अच्छा सा एक DIY बन के तैयार हो गया है, और इसका क्या यूज़ है वो भी बताती हूँ। ये देखिए जो हमने ग्लव्स बनाए हैं उन्हें बस इस तरीके से पहनना है, और पहनने के बाद में आप जहाँ चाहें बहुत ही आसानी से बहुत ही अच्छी तरह क्लीनिंग कर सकते हैं। तो देखिए इससे बहुत ही अच्छी क्लीनिंग होती है, तो आप किसी भी चीज को बहुत अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। और जो किचन में हमारे डिब्बे होते हैं उन्हें हम डेली डेली इस तरीके से साफ कर सकते हैं। इस तरीके से आप ग्लव्स बना लीजिए, जो भी हमारे घर में वेस्ट कपड़े पड़े होते हैं उनसे हम इस तरीके से जो ग्लव्स वगैरह हैं वो बना सकते हैं, और बहुत अच्छे से क्लीनिंग कर सकते हैं। तो ये मैंने थोड़ा लूज रखा है, आप थोड़ा इसे यहाँ से टाइट कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसलिए लूज रखा है जल्दी से मैं इसे निकाल सकूँ और पहन सकूँ। तो इस तरीके से आप इन ग्लव्स का किचन में रूम में किसी में भी यूज कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, और ये आइडिया आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताया करें। अब जो नेक्स्ट आइडिया है उसके लिए मैंने यहाँ एक फैब्रिक लिया है, सिलाई में से बच जाते हैं इस तरीके की स्ट्रिप। तो 28x4 इंच की मैंने ये स्ट्रिप ली है। अब इस स्ट्रिप को हमें इस तरीके से देखिए लेना है, और यहाँ लगानी है सिलाई। तो ये देखिए मैंने सिलाई लगा ली। सिलाई लगाने के बाद में सिलाई को इस तरीके से बीच में करना है। अब बीच में करने के बाद में ये जो बीच में फैब्रिक है इसे इस तरीके से हमें देखिए लेना है। अब जो ये नीचे वाला और ऊपर वाला फैब्रिक है उसे इस तरीके से हमें मिलाना है। मिलाने के बाद में मैंने कर लिया ये पिनअप, तो यहाँ कम से कम 2-3 पिन मैं लगा लूँगी। अब यहाँ पिन लगाने के बाद में हमें ये देखिए यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगानी है, फिर इतना छोड़ना है, फिर यहाँ से पूरे में हमें सिलाई लगानी है। अब किस तरीके से लगानी है वो बताती हूँ। देखिए पहले यहाँ से यहाँ तक थोड़ी सी हम सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ सिलाई लगाने के बाद में फिर नीचे से हम इतना फैब्रिक छोड़ देंगे, और यहाँ पूरे में हम सिलाई लगा लेंगे। अब इसमें सिलाई लगाने के लिए आप कहेंगे अब इसमें हम सिलाई कैसे लगा सकते हैं, तो यहाँ बस इस फैब्रिक को हमें नीचे इस तरीके से खींचते जाना है और इसमें सिलाई लगाते जानी है। देखिए फैब्रिक को हमें खींचते जाना है और इसमें सिलाई लगाते जानी है, और हम इस फैब्रिक को खींचेंगे तो हम वहीं उसी जगह पर आ जाएंगे जहाँ से हमने सिलाई शुरू की है। ये देखिए ये फैब्रिक वहीं आ चुके हैं हम जहाँ हमने सिलाई शुरू की थी। अब यहाँ हम इसे पक्का कर देंगे। अब हम इस फैब्रिक को इस तरीके से बाहर की साइड में निकालेंगे,
और जो हमने खुला हुआ पार्ट छोड़ा था वहाँ हम इस पीस को इस तरीके से निकाल देंगे। ये देखिए ये आ चुका है खुला हुआ पीस, तो थोड़ा सा और निकाल लेते हैं हम बाहर इसे। अब बाहर निकालने के बाद में जो अंदर फैब्रिक है उस फैब्रिक को हमें बाहर निकालना है इस तरीके से। ये देखिए ये फैब्रिक हमने बाहर निकाल लिया। अब बाहर निकालने के बाद में ये पूरा सीधा हो चुका है और ये खुला हुआ पीस देखिए आ चुका है। अब मैंने यहाँ लिया है 6 इंच का इलास्टिक, तो अब इस इलास्टिक को यहाँ से हमें अंदर की साइड डालना है। तो मैंने पिन इसमें इंसर्ट कर दिया है और एक तरफ से पकड़ भी लिया है, क्योंकि हम पिन को अंदर डाल रहे हैं तो छोटा सा है इलास्टिक तो पूरा अंदर चला जाएगा, तो मैंने पकड़ लिया था और ये दूसरी साइड में निकाल लिया है। निकालने के बाद में आप इसमें अगर गांठ लगाना चाहते हैं तो गांठ लगा लीजिए, लेकिन मैं यहाँ इसे सुई धागे की हेल्प से टक करूँगी जिससे कि ये अच्छे से मजबूती से टक हो जाए और इसमें जो गांठ सी बन जाती है वो ना बने। तो बस सुई धागे की हेल्प से आप इसे टक कर लीजिए। अब टक करने के बाद में यहाँ नॉट लगा दीजिए और ये देखिए जो खुला हुआ साइड था उसको भी यहाँ हम सुई धागे की हेल्प से सिल देंगे। तो बस यहाँ सिंपल सिलना है और यहाँ नॉट लगा देनी है। तो ये देखिए कितना अच्छा सा हमारा एक रबड़ बनकर, हेयर रबड़ बनकर तैयार हो चुका है। तो इसे आप अपने बालों में लगाइए और रंग बिरंगे बहुत सारे बना लीजिए, बहुत सिंपल है इसे बनाना। तो आज के DIYs में से आपको कौन सा DIY सबसे ज़्यादा अच्छा लगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए, और प्लीज़ 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 कमेंट ज़रूर कीजिए क्योंकि मुझे आपके कमेंट्स का बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता है। तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, और हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। तो फिर मिलती हूँ मैं आपको एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।